आपका लाल बटन है और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। एक हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड ने पूछा था कि सर गुजरात गैस के बारे में हमें बताइए। गुजरात गैस लिमिटेड और जैसा कि हमारा चैनल है इसमें लॉन्ग टर्म शेयर्स जो रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं कंपनियां होती है उन्हीं के बारे में मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उन स्टॉक्स को पहले लाऊं जिन पे हमें लंबे समय के लिए अच्छे रिटर्न्स मिल सकें। सो इसी दिशा में यहाँ पे जो गुजरात गैस लिमिटेड के बारे में पूछा गया तो ये एक प्रकार की ये PSU कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट की कंपनी है। तो लंबे समय के लिए अभी हम बात करेंगे, आप खुद ही फंडामेंटल देख के समझ जाएंगे कि क्या। तो यहाँ पे पहले हम बता दें कि कंपनी करती क्या है। देखिए गुजरात गैस लिमिटेड दो सेगमेंट में प्रॉपर काम करती है। एक है व्हाट इज़ द PNG, PNG मतलब पाइप्ड नेचुरल गैस, और CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो जो पाइप्ड नेचुरल गैस है ये घर घर में पूरे गुजरात में जो है इनका काम है पहुंचाने का पाइप के माध्यम से, जैसे कि हम लोग अभी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो उस प्रकार से पाइप के माध्यम से ये गैस पहुँचाई जा रही है, चाहे कमर्शियल हो चाहे नॉन कमर्शियल हो चाहे किसी इंडस्ट्री में हो। और जो CNG है तो आने वाले भविष्य में CNG पे बहुत बड़ा संकट ऐसा नहीं आने वाला है, भले ही कितनी भी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक क्यों ना हो जाए, क्योंकि CNG तो वैसे भी नॉन पोल्यूटेड फ्यूल है। तो इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा सेल्स में असर नहीं होने वाला है। डीजल और पेट्रोल इन सब की खपत डिमांड या कम हो सकती है, लेकिन PNG तो ज़बरदस्त बढ़ने वाली भविष्य में, क्योंकि इसी पर हम पूरी निर्भरता है पूरे भारत की। तो आप समझ गए होंगे कि दो सेगमेंट्स में काम करती है और इनका पूरा कारोबार फ़िलहाल गुजरात में है और महाराष्ट्र ठाणे पनवेल में इनका CNG का भी ज़्यादा कारोबार है गुजरात के अलावा। अब इस प्रकार से हम इनके फंडामेंटल्स पहले देख लेते हैं। आइए हम भाव आज का देख लेते हैं। आज है 18 जून 2019, 182 रुपये के भाव पे ट्रेड हो रहा है और एक साल का लो था 115 रुपये, हाई बनाया था 194 रुपये। और आज मार्केट खुली है, समय हो रहा है 1:21 और 6 मंथ के जो रिटर्न यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं 35% के आसपास, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, और 1 ईयर के रिटर्न जो है 12% के आसपास है जो कि ठीक ठाक है। मार्केट कैपिटल इनका 12,425 करोड़ की और फेस वैल्यू है 2 की, पी रेशियो 28.81 की और अर्निंग पर शेयर है 6.26 की, प्राइस टू बुक है 5.68 और डिलीवरी भी यहाँ पे ज़बरदस्त दिखाई दे रही है 73% के आसपास है और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। अगर हम इनके फाइनेंशियल देखते हैं December 2018 से March 2019 यानी Q4 के रिजल्ट फाइनेंशियल ईयर 2019, तो जहां इनकी नेट सेल्स थी December 2018 में 2171 करोड़ की, वहीं March 2019 में घट के रह गई 1963 करोड़ की, यानी 9.60% के आसपास की डाउनसाइड है। और नेट प्रॉफिट में भी यहां पे जहां 138 करोड़ के आसपास थी December 2018 में, वहीं 116 करोड़ की रह गई March 2019 में, जो कि यहाँ करीब करीब 15.5% की डाउनसाइड है। और वह मार्जिन में भी ऑब्वियसली 1.84 की डाउनसाइड है। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर के रिजल्ट्स देखते हैं March 2018 से March 2019 के कंपेयर करते हैं तो जहां March 2018 में 1777 करोड़ की थी, वही March 2019 में 1963 करोड़ की, यहां पे करीब करीब 10.5% की अपसाइड है। और नेट प्रॉफिट में भी यहां पे जहां March 2018 में थी 65 करोड़ की, वहीं March 2019 में हो गई 116 करोड़ यानी 76% के आसपास, और मार्जिन में भी यहां 0.42% की अपसाइड है। तो यहाँ पर नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट और मार्जिन में भी इनको अच्छे खासे मतलब रिजल्ट अच्छा है, मुनाफा है, लेकिन क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत डाउनसाइड सारे हैं, चाहे नेट सेल्स हो चाहे नेट प्रॉफिट हो चाहे मार्जिन हो। तो ईयर ऑन ईयर के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं लेकिन क्वार्टर के उतने खास नहीं आए हैं। और कंपनी के बारे में आप समझ गए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम देखते हैं तो प्रमोटर्स के पास 60% के आसपास की जो है होल्डिंग है और कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। FIIs 102 हैं, म्यूचुअल फंड्स के 13 स्कीम्स में पैसे लगा रखे हैं, इंडिविजुअल्स हैं इसमें करीब बहुत ही कम है 5.43% के आसपास है। और इसने जो डिविडेंड पे किया था 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से 2018 में इस साल भी पे करेगी। और यहाँ देखिए गैस ट्रांसमिशन मार्केटिंग से रिलेटेड कंपनी है, PSU कंपनी, गवर्नमेंट की कंपनी। तो PSU कंपनियां जनरली बहुत अच्छा रिटर्न तो नहीं देती है। अगर हम लंबे समय के लिए रिटर्न के चार्ट पे देखते हैं कि कितना रिटर्न दे चुकी है, तो यहाँ 3 साल से ही रिटर्न दिखा रही है। इसका मतलब है कि
करीब 4 साल, चौथे साल के बाद ही यहाँ पे लिस्टिंग हुई है, इस वजह से 3 साल के डेटा ही उपलब्ध है। तो 3 साल में देखिए 76% के पॉजिटिव रिटर्न हैं, 2 साल में 14% और 1 साल में 13%। ईयर टिल डेट में खैर अच्छे ईयर टिल डेट में हमने बता ही दिए हैं, 6 मंथ में भी 34%, 1 मंथ में भी 26%, 3 मंथ में सॉरी 26% और 1 मंथ में 14% के आसपास है, और 1 वीक में 3% की नेगेटिव साइड है, लेकिन 1 डे में भी 1.25% के आसपास का अपसाइड है, रिटर्न पॉजिटिव है। तो अगर इसमें अगर मुझसे कोई पूछेगा मेरी ओपिनियन, तो मैं जनरली इस गैस की कंपनी में जो PSU की है, मैं फ़िलहाल इसमें अवॉइड करूँगा, क्योंकि उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिख रहे। हाँ, जो लोग चाहते हैं कि अगर इसमें कुछ निवेश करना चाहते हैं, तो अगर उनका इंटरेस्ट है कि एक डिविडेंड भी अच्छी देती रहेगी और गवर्नमेंट की कंपनी, इसमें बहुत ज़्यादा ख़तरा नहीं रहता कि आपका इन्वेस्टमेंट बहुत नीचे डाउनसाइड हो जाएगा या बहुत ज़बरदस्त टूट जाएगा स्टॉक, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी कंपनी, अच्छे पोटेंशियल, अच्छे फंडामेंटल भी हैं, लेकिन अभी फिलहाल क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे नहीं आए। आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि किस प्रकार कंपनी ग्रोथ करती है, नेट सेल्स भी अच्छी हो, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी हो, किस प्रकार की रहेगी, उस हिसाब से इसमें रणनीति बनाई जा सकती है। लेकिन फिलहाल अभी मैं इस पर बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फ्रेंड्स दिस वीडियो, एंड अगर कोई भी आप स्टॉक खरीदें या बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर मशवरा कर लें। थैंक यू अगेन।